मास्क पहन लो, पहन लो। जी गाइस, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं बज एफएम से, और मेरे साथ जो मेरी को होस्ट हैं शाहनूर साकिब। अरे जी, आज हमारा बस एफएम पे जो है वो पहला प्रोग्राम है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का क्या तरीकेकार है? आप लोगों ने नंबर डायल करना है 0518449797। एक बार फिर से रिपीट करती चलूं, 0518449797। ये है जी हमारा नंबर, PTCL का नंबर है। थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे आपको कॉल करने के लिए, क्योंकि पैकेज भी नहीं है ना। ओके जी, एक बार फिर से रिपीट करते चलोगे, हमारा नंबर है 0518449797। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे मैसेज? ऊपर कर दूँ इसको जी? ऊपर कर दूँ इसको फुल? नहीं नहीं, फुल भी ऊपर करना ना, वो मतलब लेवल के हिसाब से करना है। मैसेज करने का तरीका कहाँ है? आप लोगों ने अपने राइट मैसेज पे जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है 97, स्पेस देनी है, नाम लिखना है, अपने शहर का नाम जरूर लिखना है, शहर के नाम लिखने साथ साथ गली वाले का भी जरूर बताना है, और सेंड कर देना है 4471 पर। आप उनके मैसेजेस को, आप उनकी कॉल्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है आज का जिंदगी। जी शाहनूर, क्या कहती है जिंदगी बारे में, मतलब कि क्या है जिंदगी, क्यों? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टॉपिक ही क्यों इतना आज हमारा पहला शो है। जिंदगी क्योंकि जिंदगी जो है सब हम सब से रिलेटेड होती है। जिंदगी एक सफर, आप यूं कह लें, ऐसा सफर जो हम तय करते हैं बचपन से जवानी तक या फिर जवानी से बुढ़ापे तक। ये एक सफर होता है, सफर चाहे जैसा भी हो हम सबने ही तय करना होता है। जिंदगी के सफर में अक्सर अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, लेकिन हमने जो है घबराना नहीं होता। अच्छा जी, इमरान खान की तरह ये भी कह रही है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फोकस रखना है अपने गोल्स पर। बस आप उनका फोकस, आप उनका एम, आपके गोल्स होने चाहिए जिंदगी में। जिंदगी की पहाड़ियों में मुश्किलात आती रहती हैं, अप्स डाउन आते रहते हैं, कभी आप ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी सांसें ऊपर नीचे चलती हैं, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और खुशियाँ भी आती हैं। समटाइम हम लोग मुश्किलात को फेस करते हैं तो समटाइम हम लोगों को खुशियाँ भी मिलती हैं, समटाइम हम लोग रोते हैं तो समटाइम हम लोग हंसते भी हैं। अच्छा जी, हमारा BGM जो है वो बड़ा ही मज़े का है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना स्टूडियो में बैठे तो मैं सुन सकती हूँ, शाहनूर वो सुन नहीं सकती। अच्छा जी शाहनूर, तो क्या कहेंगे आप, क्या मतलब आज थोड़ा आप स्टार्ट लें जिंदगी के बारे में, मतलब कि क्या है जिंदगी? जिंदगी एक यादों का सफर है। मैं कहूँगी कि मतलब कि बचपन की इतनी यादें होती हैं कि जवानी तक या यूं कह लें बुढ़ापे तक ये बड़े होकर सताती रहती हैं यादें। मतलब इतनी छोटी उम्र में कैसी यादें और क्या सताती हैं, मतलब यादें आप यूं कह लें कि जैसे अम्मा अब्बा की डांट आप कह लें, वो चित्रोलिंग जो पड़ती रहती है अपनी अम्मा से, कोई शैतानियां करके कुछ करके। मतलब मुझे आज भी याद है अपने बचपन का एक छोटा सा वाक्य जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो ये था कि मैं बहुत छोटी सी थी, यूं कह ले नन्नी मुन्नी सी बच्ची। शाहनूर, आप अभी भी छोटी हैं, अभी भी आपको, अच्छा आप कितनी एज है आपकी जरा, वैसे लड़कियां बताती नहीं है, वैसे आप बता दें मुझे कि अभी तो मेरी 17 एज है, लेकिन उस वक्त बहुत ही नन्नी मुन्नी छोटी सी बच्ची आप कह ले। वो कहते हैं ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका। सही है, तो अभी ठीक है, मतलब कि आप पूरा पटाखा है अभी भी है या नहीं है? अभी भी, अभी भी है आप। अच्छा जी शाहनूर, इस वक्त हम लोगों को फेसबुक से भी, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, इस कमेंट को पिन कर दें, इस कमेंट को पिन कर दें 051। एक दफा फिर से आप लोगों के साथ नंबर शेयर करती चलूं मैं, हमारा नंबर है 0518449797,
051 कैसे करते हैं 8449797 051 8449797 आप लोगों के लिए नंबर हम पिन कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करनी है हमारे लिए कॉल्स और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को शो आज का कैसा जा कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग सुन भी रहे हैं और सुनने के साथ साथ आप लोग देख भी रहे हो। काश कि फेसबुक वाले ना आप लोगों का भी कुछ मैं इंतजाम करती हूँ, काश कि आप लोग ये BGM जो है ना वो सुन सकते हैं, मुझे दे दें मैं कर देती हूँ। मुश्किल फोन लग रही है, कॉल्स नहीं आ रही ना, हो गया। अच्छा सेकंड ये ना वो जो मैंने खान साहब का नाम नहीं लेना जी, खान साहब का नाम नहीं लेना, ओके आपको पता है बैन उस पे। ओके जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहनूर जो खुद भी बहुत छोटी सी हैं, मगर वो कहती हैं वो आज इतनी छोटी बच्ची जो है ना हमें बताएगी कि जिंदगी क्या है और जिंदगी के अप डाउन क्या है। अच्छा शाहनूर एक हमें किस्सा सुना रही थी अपने बचपन का और इनके ख्याल में जो है ना वो अच्छा आपके ख्याल में बचपन की लाइफ अच्छी है या जो अभी आपकी लाइफ गुजरी तीन एज की जो लाइफ है ये अच्छी है? लाइफ जो भी अच्छी होती है सिर्फ समझ की बात होती है मेरे हिसाब से, मतलब कि आपको खुद जो है खुश रहना चाहिए, मतलब आपको खुद खुशियाँ ढूंढनी होती हैं, कोई ऐसा काम करके कुछ ऐसा करके जिसे करके आपको खुशी मिले, अपनों के साथ रह के अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बहुत कुछ ऐसा करके जो आप कुछ हासिल करना चाहते हैं उसको पा के खुशी मिलती है। जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियां बन जाती हैं अक्सर, और छोटी छोटी बातें जो है बड़े होके बहुत ज्यादा याद भी आती है। अब जैसे बचपन का ही मेरा किस्सा है, एक दफा क्या हुआ था कि मुझे बहुत, मतलब हर बच्चे की तरह मुझे जो है चॉकलेट्स का बहुत ज्यादा क्रेज था, चॉकलेट्स का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज था, और जो है मुझे रोजमर्रा की तरह जो है मेरी अम्मी ने मुझे चॉकलेट दी, मैंने खा के खत्म कर दी। अब हुआ यूं कि उस दिन मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेज चढ़ गया, भाई मैंने चॉकलेट्स खानी है और खाते ही रहनी है। अब मैं गई अपनी अम्मी के पास, मैंने बड़े जो है ना वो कहते है ना मक्खन लगा के, अम्मी जी प्लीज मुझे चॉकलेट दे दे यार, आप दे दे, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला बेटा तुमने बहुत खा लिया, और ये आरजे शानू साकिब को आया गुस्सा और गई बाहर और जाके जो उन्होंने दुकानदार के पास गई और जाके मांग के चॉकलेट खा ली, और घर आके जो मेरी कहाँ से लिए शाहनूर, मांग कर खाई। इसी में तो अम्मी को चढ़ा गुस्सा, और जब मैं घर पर गई तो जो मेरी हैंगर थप्पड़ और पिटाई जो मेरी सही वाली हो। अच्छा शाहनूर ये बताओ कि किस किस चीज से मार खाई हुई, लाइक मैंने तो घर में बेलन से मार खाई हुई है, वो जो डंडा होता है चटनी कूटने वाला उससे भी मार खाई हुई है, जूता जो मतलब प्लेट कोई भी चिमटा कोई भी चीज अम्मी के पास थी ना अम्मी ने उठा के मारी है मुझे, मतलब कि आपको किस किस चीज से मार पड़ी है? आप कह लें कि घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी चीज है ना मेरे पे बाकी नहीं रही, चाहे वो हैंगर और जूता बेलन चिमटा सब ले लिया। अच्छा मुझे शाहनूर आप शरारती लगती नहीं होगी, लाइक इतनी सियानी समझदार जो शाहनूर आप लोगों को इस वक्त नजर आ रही है वो एक्चुअली में बिल्कुल भी इतनी समझदार नहीं है, वो जो है वो सारे डांट डपट जो है वो खा चुकी है, हैंगरों से भी मार खा चुकी है, जूतों से भी खा चुकी है, प्लेटे चमचे चप्पल तो मस्त थी बस प्राइम। अच्छा मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों का ना एक शायद हमारी नेशनल मार है, एक जूता और एक चिमटा, इससे जो है ना मुझे नहीं लगता कोई भी पाकिस्तानी ऐसा होगा जिसने जो है ना वो मार ना खाई हो, तो ये बहुत ही ज्यादा ना मेरे लिए ये वाक्य मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल भी था और लेसन फुल भी, कि अब दोबारा किसी से मांग कर चीज नहीं खानी, वरना जो पिटाई होनी है वो फिर और ही ज्यादा होगी। अच्छा शरण कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लाइक कहीं जा रहे हो आप और कोई हाल हो, शादी हाल हो, और वहां पर ना कुछ शादी हो रही हो, वो खाना खुला हुआ हो और आप चली गई हो, और शादी हाल में ऐसे ही आप इन्वाइटेड ना हो और ऐसे ही आप चली गई हो और आपने ना जाकर वो खाना स्टार्ट कर दिया झूठ मूठ का, ऐसे ही लोग लाइक मैं तो ऐसे एडवेंचर बड़े करती हूँ कि अगर कहीं जा रही हूँ तो गाड़ी को ब्रेक लगाई और बच्चों के साथ चली गई। अच्छा बच्चों के साथ जाने में ये भी फायदा हुआ मुझे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये मैं लड़के वालों को कहती थी कि मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, लड़की वालों को कहती थी मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, गलत काम तो करती थी मगर इसमें मजा बहुत आता था। जी मैं यूं कहूँ तो ऐसा मेरे साथ वाकई जरूर पेश आया, मुझे आज भी याद है कि एक दफा बचपन में मैंने जो है आपकी ये जो कहानी है वो थोड़ी देर बाद हम लोग सुनेंगे शाहनूर से। अभी जो है वो हम लोग जाते हैं
एक कमर्शियल की तरफ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम माय फेसबुक फैमिली। बहुत से लोग इस वक्त हमें लोग को सुन रहे हैं, 61 लोग हैं जो हम लोग को सुन रहे हैं। अच्छा जी, आप उनके साथ मैंने नंबर शेयर किया है, नंबर है ये। कॉल्स क्यों नहीं आ रही हैं हमें? ऐसे नहीं हो सकता कि कॉल्स ना आए। मेरा एकदम फीडबैक नहीं आता। नहीं आएगा ना, मैंने फेसबुक पे लाइव हूँ, आप देखें, चेक करो इसको। नंबर आपने पिन किया हुआ है? क्योंकि मुझे अपने फैंस पे पूरा पूरा यकीन है कि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि मैं लाइव जाऊं और मुझे कॉल्स ना आए। ये तो जीना आराम कर दे, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। नहीं, मेरे इस एफएम पे, वैसे इस एफएम पे वैसे मेरा फर्स्ट शो नहीं है। इस एफएम पे मैं इससे पहले भी शो कर चुकी हूँ और अनलिमिटेड कॉल्स जो है वो हम लोग ले चुके हैं, ठीक है, मगर अभी कॉल्स नहीं आ रही है। नहीं, अभी वैसे भी आपका फर्स्ट शो है ना, लोगों को पता नहीं होगा। उसको क्या हो गया? मेरे दूसरे वाला मोबाइल दे दें, ये इसको हो रहा है ये मैडम। ओके जी, बहुत आ रही है कॉल, आ रही है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, मेरे फैंस मुझे कॉल ना करें। मतलब यार क्या हो गया, आप कॉल ही नहीं कर रहे? अच्छा जी, तहसीन अली कह रहे हैं आए आरजे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरी तरफ से आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गुलाम सफदर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, चिट्टा चोला ते पावा। अच्छा चले, ये हमारे साथ शाहनूर हैं, शाहनूर ये सारे जो है ना कमेंट्स रीड करेंगी, इनको रिस्पॉन्ड करेंगी। क्यों नहीं चल रहा नेट? नहीं चल रहा तो आपके पास रखूँ? ये इससे तो नेट नहीं चल रहा। अच्छा 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 अच्छा, इसका नेट नहीं चल रहा। हाँ, वो किसी ने कमेंट किया है बहुत बुरा जा रहा है शो। ओके जी, इस वक्त शाहनूर है आप लोगों के सामने और शाहनूर पे बात करेंगे। शाहनूर, कुछ कमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप रीड कर लें। कमेंट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। नाम भी ले लें इनका, नाम भी लेके जाएं। जो गुलाम सफदर ने हमें कमेंट किया कि मैडम आपका शो बहुत ही अच्छा जा रहा है, आलीशान जा रही है, गीत यूट्यूब पर मौजूद है, सुना है, सुना दे, शुक्रिया, मेहरबानी होगा। ओके जी, हमारा नंबर है 0518449797, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ हम लोगों को बात भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें कॉल्स आ रही हैं, इसके बाद जो भी कॉल आएगी वो मैं अटेंड करूंगी, ये आप लोगों से पक्का वादा हो गया। 0518449797 ये हमारा नंबर है और इस नंबर पे करेंगे आप लोग बात, आप लोग करिए हमें कॉल, तो कॉल करके हमसे करेंगे बात। अच्छा जी, बहुत से लोगों को ना अभी, ओके जी, अभी सबसे पहले तो हम लोग कॉल की तरफ जाते हैं। इस साइड से कॉल की आवाज़ आएगी मुझे, इधर से ही आएगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहे हैं अटक से। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं सलमान आप? इसका मतलब ये है कि अटक वाले मुझे भूले नहीं है, है? सलमान, मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि अटक वाले मुझे भूले नहीं है, मैं कह सकती है ना, भूल ही नहीं सकते मुझे। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत अटक से मिली है, वो आप लोगों की मोहब्बतों का जो है ना, मैं पूरी जिंदगी मशकूर रहूंगी। अच्छा सलमान, आज का हमारा टॉपिक सुना है आपने? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको अपनी कोई बचपन की आपने ना याद बतानी है, कोई अच्छी सी याद बतानी है आपने, कोई कुछ शुट। हाँ, क्या मुश्किल है जी जी, आवाज आ रही है आपकी सलमान। ठीक है,
हो बच गए। सही सही बच गए आप। हाँ जी जी सर। क्यों सलमान क्या जल्दी है आपको? ठीक हो गया। ओके जी जी इतने हमारे साथ सुलेमान और जो अपनी एक मेमोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वो पीछे देखते हैं कौन है हमारे साथ कौन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वी कौन गल कर रहे हो जी? मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बड़ा फैन है। ये कौन है? रांझा। रांझा पूरी दुनिया का बना रांझा और ये बना आज बस एफएम का भी रांझा। कैसे हो रांझा? वो आपको पता है ना हमारे फैंस इतने ज्यादा होते हैं कि लाइन लगी होती है बस। वो हम आप जैसे लोगों को भी बस लाइन पे ले लेते हैं। सबसे भी बड़ा फैन। ओके जी हमारे A1 टीवी के बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे लंबे लंबे बालों वाले हर दिल की धड़कन रांझा है हमारे साथ मौजूद। अच्छा रांझा मुझे जल्दी से ना अपने को बचपन की याद बता दे सुना दे। वो तो ही गाना सुना देगा रांझा। वैसे तो मैं तुम्हें कहती कि मुझे गाना सुना दो मगर रांझा तुमने मुझे वही गाना सुना ला कि एक लड़की ऐसी थी जिसे मैं प्यार करता था। मैंने वो गाना रांझा नहीं सुना। आपको वही गाना सुनाता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था जिसके घर वाले मेरी गोद में छोड़ के गए थे। मैंने पाल पोस के बड़ा किया। नाम आपको उसका वैसे ही पता नहीं चलता जिसका पैर जो मैंने इस वक्त आपको मोबाइल पकड़ा हुआ और वो इस वक्त लाइव है। मैं उस वक्त लाइव है। और एक्सक्यूज मी कैमरामैन किधर चले गए हैं आप? देखिए कैमरामैन हमारा कैमरामैन की बात हो रही है जी। जनाब ये हमारी बात हो रही है हर दिल अजीज जिगर रांझे का जिगर गुर्दा फेफड़ा साकिब सलीम है। जी 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 ये गुड़िया से बात कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी रांझो साहब कैसे हो? मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। आप यूं कह रहे हैं बहुत ही मतलब मेरा जो शौक था ना वो पूरा हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहीं पर ही आएंगे। आपको तो पता है वो तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। एक मिनट मेरे फादर का ये ड्रीम आपने पूरा किया था? ऐसा कब हुआ है? अच्छा मुझे तो लग रहा है वो 2 साल के नहीं थे जब आपसे मिले। आप 2 साल के होंगे जब वो आपसे मिले होंगे। इतनी भी नहीं है हमारी आरजे सुंदर रियाज 50 साल की आपने बना दिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चले हमें आप इन सब बातों को तो साइड पे करें। रांझा जरा शाहनूर ने ना आपका वो सॉन्ग नहीं सुना हुआ आप शाहनूर को वाला सॉन्ग सुना दे। सुना दे वो वाला। फिर क्या हुआ जिसके लिए जीते थे मरते थे आप आगे भी? ओ ओ माय गॉड। मैंने तो
सुना था जब आप मुझसे मिले थे आपकी शादी होने वाली थी और आप बाल स्ट्रेट कराने के लिए कर रहे थे। अभी तक शादी होने वाली है, लड़की पैदा नहीं हुई। ओहो अश्के अश्के ओके बस बस हमारे रांझे साहब के लिए अगर कोई लड़की हो तो प्लीज रब्ता कीजिए। ओ माय गॉड देख रही है कितना इंतजार है इनको। जी चले ठीक है चले ठीक है ओके अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके जी वेलकम बैक। एक मिनट बताती हूँ क्या करूँ। ये आपका BGM है ना, इससे आपके वाली म्यूजिक नीचे होगी। क्या? ये आपका BGM है म्यूजिक। ठीक है इससे आवाज़ म्यूजिक नीचे होगी। ठीक है ठीक है। अभी ये कमेंट आपने पढ़ना है, मैं आपका सिर्फ स्पीकर ऑन करूँगी। ये वाला बाबा हिम्मत खान टमन ने हमें लिखा है। जी गाइस हमें कमेंट किया है बाबा हिम्मत तमान ने। इन्होंने लिखा है ये इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था, पेपर्स होने वाले थे, मैं गांव में ही करीबी पहाड़ों एरिया में पढ़ने जाता था। अच्छा तो एक दफा बकरियां चढ़ाने वाली लड़कियों ने मेरे से कुत्ते छीन लिए और डंडे भी मारे। यही होना था ना, मैं रोता रोता घर आ गया और मेरे कुत्ते लेकर चले गई थी। कुत्ते हमें बहुत पसंद है वैसे। आज भी मैं जब कभी गांव में इन लड़कियों में से किसी एक लड़की को देखता हूँ डंडे की एक्टिंग करता हूँ। खुदा आज भी वो लड़कियाँ चार चार हैं। वैसे आपने हमें कब गांव में देख लिया है? नहीं नहीं, नहीं ये असल में मुझे लगता है अपने गांव की ना शायद अपनी कोई इन्होंने बचपन का ना कहानी इन्होंने जो है ना वो चार चार नमूनों की वालदा हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कोई अपने बचपन का जो है ना वो किस्सा शेयर कर रहे हैं हमसे। और यहाँ पे हमारे साथ और भी कमेंट्स हैं, इनको करें और इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल्स लेंगे, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल्स लेंगे। ये हमारे पास कुछ और भी कमेंट्स हैं सबके नेम्स लेके। अली अल्ताफ खान ने लिखा है हम सऊदी अरब में क्या आपका प्रोग्राम देखने पर शहबाज हुकूमत हम पर भी रेडियो टैक्स लगा सकती है। सही कह रही है, आपको पता शहबाज हमको पता रेडियो की फीस पहले नहीं थी ना शानूर, तो अभी जो है ना वो रेडियो की फीस भी हमारे बिल में ऐड कर दी गई है, तो ये उसकी बात हो रही है। और वो तमाम लोग जो जिन्होंने हमें बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया, एक दफ़ा फिर से मैं उन लोगों के साथ अपना नंबर शेयर कर दूँ। हमारा नंबर है 0518449797, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर आप लोग हमें करेंगे कॉल और अपने दिल के हालात और वाकयात जो है वो हमसे शेयर करेंगे। मगर 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 आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना होगा और उस वेट के बाद जो है ना एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम लोग फिर से वापस आएंगे, जल्दी जल्दी वापस आएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ एक बात भी करेंगे और आप लोगों के साथ जो है ना वो अच्छा सा सॉन्ग भी शेयर करेंगे। ये तो 146 वाला है, ये तो 130 हो रहे हैं ना। 146 ये 146 वाला कमर्शियल है, देखें नहीं ये ड्यूरेशन। अच्छा ड्यूरेशन है 12 पीस। ओके ओके 30 45 ठीक है, इसको चला दे करें गैप हो जाता है। ओके जी शानू ये पढ़ती जाएं आप, ये यहाँ से चौधरी जहीर से नीचे पढ़ती जाएं। अस्सलाम वालेकुम हम वो वहाँ पे देखना है तो मैं कैसे पढ़ूँ। नहीं वैसे थोड़ा थोड़ा उधर भी देखते हैं ना वो हमारे। ये जहीर अहमद ने कहा अस्सलाम वालेकुम सुंदर कैसी हैं आप, मैं जहीर अहमद मंचन आबाद से आपका फैन हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। थैंक यू जहीर अहमद साहब।
बाबा हिम्मत तमन ने लिखा है, तमन, इसका नाम तमन है, तमन नहीं है, तमन, ये एक तमन है, तमन, हाँ, ये एक इलाका है और उस इलाके का नाम है तमन, तो ये वहाँ से है। आज बाबा हिम्मत खान भी खुश हो रहे होंगे, है ना बाबा हिम्मत खान, बाबा हिम्मत खान ने क्या कमेंट किया, मैडम लगता है आप पठान हो, उर्दू की सही से क्लास ली आपने, आपको ये कह रहे हैं शानूर, आपको कह रहे हैं शानूर के एक्सेंट से, वाकई मुझे भी लग रहा है शानूर से वो पठान है। शानूर जब घर जाके अपना प्रोग्राम सुनेगी तो शानूर को घर जाके लगेगा कि मैं वाकई में पठान हूँ। मलिक सुहेल जफर भिद्दर ने लिखा है, नेम भिद्दर नेम भिद्दर अला प्लीज वॉइस, पता नहीं आगे कौन सी लैंग्वेज है मलिक साहब। मंसूर हुसैन ने लिखा है, आप कैसी हो आरजे सुंदर सियाज, मैंने आपका प्रोग्राम जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ, फ्रॉम मंजूर पिंडी से ऑन ड्यूटी मांदरा ढोक कुंती, कौन सी बोलती जाओ पढ़ती जाओ। बुरहान मलिक ने लिखा है, मैं रेजा रेजा हूँ अपने वजूद के अंदर, मैं रेजा रेजा हूँ अपने वजूद के अंदर, वो हर्फ हर्फ चुननेगा और किताबें किताब कर देगा, मुझे यकीन है कि एक रोज मेरा चारा घर उदास रूह को फिर से ताजा गुलाब कर देगा। सो वी आर बैक, दिस इज मी आरजे सुंदर श्रियाज एंड शाहनूर साकिब, दिस इज शाहनूर साकिब। ये हमारे साथ शाहनूर साकिब हैं और जी, मैंने अभी एक मजे का कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा था जीना किसका नाम है, तो मैं उसको जवाब दूंगी, किसी कदर मिल सके तुले उधार, ठीक है, जीना उसी का नाम है। अच्छा शाहनूर, चले सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि आपको सॉन्ग आता है यहाँ का, सॉन्ग सिंगिंग कैसी है आपके? सिंगिंग बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। चलो कोई अच्छा सा, कोई भी गुजारे लायक कोई सॉन्ग सुना दो, कोई गुजारे लायक सुना दो, हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो हमारे वो लिसनर्स हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये जो पठान लड़की हमारे साथ है, कि आज हमने एक पठान लड़की पंजाबी वर्सेस, आज आप लोग कंपैरिजन देख रहे होंगे पंजाबी वर्सेस पठान, कौन सा गाना? अच्छा पश्तो आती है, पश्तो कितनी सारी आती है आपको? वैसे तो आप पश्तो तो वैसे तो आपकी फैमिली जो है ना वो आप पठान फैमिली से बिलोंग करती हैं, मगर बहुत सी पठान की लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको पश्तो नहीं आती, तो आपको पश्तो आती है या नहीं आती? आती है थोड़ी बहुत, समझ आ जाती है लेकिन बोलना मतलब थोड़ी, सारी बातें घर में सब बोलते रहते होंगे तो समझ तो आ जाती होगी मगर आप बोल नहीं सकती होंगी। अच्छा चलो शानू की अच्छा सा सॉन्ग सुना दें आप, कौन सा सॉन्ग सुना? कोई भी सुनाए, जैसे जैसे रांझे ने एक सुनाया था। अच्छा रांझे का सॉन्ग कैसा लगा पहले तो ये बताए? अच्छा था सॉन्ग उनका, अच्छा था है? अच्छा उनको एक ही सॉन्ग आता है, चाहे हंसी चाहे खुशी का मौका हो गमी का मौका हो। अच्छा शानू हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं आप? न्यू लालाजाद बात कर रही हैं, न्यू लालाजाद से मिसेस सईद बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप पहले मुझसे बात कर लें फिर आप शानूर से बात कर लीजिएगा, कैसी हैं मिसेस सईद आप? हर फ्राइडे को आप मुझे और शानूर को जो है ना वो इसी तरीके से देखा भी करेंगी और सुना भी करेंगी आप, सुनने के लिए रेडियो सुन ले। अच्छा ये हमारे साथ प्यारी सी एक गुड़िया बैठी हुई है शाहनूर, आरजे शाहनूर, आप इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो आप? सुनाए कैसी है जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमें? बचपन की याद का जी 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 जी, इंशाल्लाह तो आप कोई हमारे साथ अपनी बचपन की याद जो है शेयर करें ताकि हम भी सुने और मजे भी लें। अच्छा जी जी
ओहो, ये बात तो आपके दिल पे लगी होगी कि मम्मी छोड़ के आगे आपको भेज दिया। अच्छा अच्छा जी 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 फिर क्या हुआ? एंड में बहन कहाँ से मिली आपको? तो है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और अपने बचपन की याद जो है हमारे साथ ताजा की है। तो आइंदा भी हमें सुनते रहेगा, हमारे साथ रहेगा, सुनते रहिए बस FM 97। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, जी। तो जिंदगी के हवाले से अगर किसी और ने मतलब अपनी बातें, अपनी बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करनी है तो हमें अभी कॉल कीजिए। दोबारा से नंबर रिपीट करते हैं, 0518449797 पे हमें कॉल कीजिए और हमारे शो का हिस्सा सुनिए। ओके जी, आप लोग भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। वो किस तरीके से आप लोगों ने नंबर डायल करना है, 0518449797 ये है हमारा नंबर और इस नंबर पे आप लोग करेंगे कॉल और आप लोग करेंगे हमसे बात। और इसके साथ साथ आप लोग कॉल करने के साथ साथ आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। किस तरीके से आप लोगों को मैसेज करना है, आप लोगों को राइट मैसेज भी जाना है, वहाँ पे लिखना है, टाइप करना है 97 स्पेस देनी है, अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है और आप लोगों ने हमें कर देना है मैसेज। और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हैदर। अच्छा जी, तो बताइए। जी जी, आज नेट का इशू होगा, हो सकता है कि आगे पीछे हो रही हो। जी हैदर, तो आप अपनी कोई बचपन की याद ही हमारे साथ शेयर कर दे, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा मजेदार सा है जिंदगी के हवाले से, तो ये तो हम सबसे जुड़े ही हुई है, तो कोई याद वो तो हर किसी के पास होती है। जी जी, चले ठीक है हैदर, आपने हमें कॉल की, कॉल की, सुनते रहिए, देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। मलिक ताहिर अमान हमारे साथ हैं और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाजी वहीद हमारे साथ हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक हमीद अवान ने लिखा है, अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबले रश्क है। फिर किसी ने इन्हीं की रिप्लाई पे लिखा है, हम सऊदी अरब में हैं कि आपका प्रोग्राम देखने पर शहबाज हुकूमत हम पर भी रेडियो हमने पहले भी लिखा था। सैद महमूद ने लिखा है, जी जनाब बिल्कुल लगेगा, रिप्लाई अच्छा, रिप्लाई चल रहे सबके।
बाबा हिम्मत तमन तमन ने दोबारा से लिखा, जरूरी है आप बस नजर रखें। किस चीज पर नजर रखें बाबा हिम्मत तमन, किस चीज पर नजर रखनी है? मुदस्सर मलिक ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम बेटे। मुसक्कत सलाला से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरे लिए एक गाना जी। कौन सा गाना? अच्छा वैसे हम लोग का गाना एक है, हम लोग ने रखा हुआ है, मगर हम लोगों की इतनी गपशप चल रही है और इतनी बातें हो रही हैं कि दिल ही नहीं चाह रहा है कि हम लोग सॉन्ग प्ले करें। आपने नोट किया शानू, हम लोग ने एक सॉन्ग भी अभी तक जो है वो प्ले नहीं किया। अच्छा वो ज्यादातर ये भी होता है ना कि जब आप बोर हो रहे होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है रेडियोज में आरजेज इस तरह करते हैं कि जब वो बोर हो रहे होते हैं या फिर उनके पास बातें शातें खत्म हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉन्ग प्ले करते हैं। हम लोग भी आप लोगों को सॉन्ग सुनवाएंगे, वो तमाम लोग जो हमें फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहे हैं, आप लोग हमें फ्रिक्वेंसी के थ्रू भी सुन सकते हैं। और www फ्रिक्वेंसी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए buzzfm.pk/islamabad अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग हमें सुन सकते हैं। buzzfm.pk/islamabad। यूनस खान ने हमें हाय किया जी। हाय यूनस खान। अच्छा ये हाय क्या होता है शानू? हाय का मतलब है हाय करो, मतलब दर्द दर्द हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? नहीं ये सिर्फ हाय हाय वाले हैं, वरना वो कहते हैं हाय। अच्छा मलिक हामिद अवान ने लिखा है, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर रीडिंग। ये तो हमारा काम है, रीड तो हमने करना है। अब्दुल मलिक ने लिखा है, वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही। बहुत ही दुखी बंदा है। नासिर महमूद ने लिखा है, ए मैडम कौन है? ये बस देख के आप पता लगा ले खुद के कौन है। ये हमारे साथ एक न्यू आरजे है, आज इनका भी फर्स्ट शो है और इनका नाम है आरजे शाहनूर साकिब। और आइंदा हर जुमा आप लोग हमें सुना करेंगे और देखा करेंगे बज एफएम से। मंजूर हुसैन ने लिखा, नाइस प्रोग्राम फ्रॉम मंजूर मांद्रा से। ओके जी, ये मांद्रा किस जगह पे है मंजूर, जरा बताना मतलब कि कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है, क्या है? मलिक हमीद अवान ने लिखा है, पंजाबी सॉन्ग फॉर ड्राइवर्स कमरान शाह की विश में। जी लगाते हैं हम आप थोड़ी देर में आपको, बस हम लोग पहले खुद इंटरटेन हो जाए फिर आप लोगों को भी इंटरटेन करते हैं। मैम सुंदर तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह बस एक ही दिल है, कितनी बार लेंगे। तौकीर हूँ सियालकोट से हूँ, मेरे लिए भी कोई सॉन्ग लगा देना। लगा देंगे भी, सबके लिए लगाएंगे और धमाकेदार लगाएंगे। सलाम जी क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सिराज ने कहा है, हाय 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 हाय। तबस्सुम तबस्सुम ने लिखा है, मुंडा तबस्सुम तबस्सुम वो होगा ना रंजा, तो वही लग रहा है। हाँ तबस्सुम तबस्सुम नहीं शायद वो नहीं, तो उसका नाम पूरा शायद तबस्सुम रहा। मुंडा का डायलॉग ही सुना दे। कौन सा? मुंडा का डायलॉग ही सुना दे। अच्छा मुंडा मुंडा, अच्छा अच्छा मुंडा। नहीं 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 मैं मुझे उसका डायलॉग नहीं याद, अगर वो आ सकते हैं कॉल पर तो वो आ सकते हैं हमारे साथ, लाइक मुझे उसका कोई डायलॉग वगैरह है सच कोई याद नहीं। मोहम्मद आसिम कह रहे हैं, हेलो जी हाय। मलिक शाहिद ने कहा है, तसा पंजाबी है। हाँ तसा करने को ही निपले सॉन्ग भाई, मुझे पंजाबी पढ़ना है। नहीं नहीं ट्राई ट्राई ट्राई, ये ट्राई करनी पड़ेगी शानूर आपको, ये ट्राई करें आप। तसा करने को ही नहीं पहले सॉन्ग। आप लोगों के लिए ना हम लोग मैम ज़ारा है हमारे साथ मौजूद, मैम ज़ारा अगर आप प्लीज इधर दो मिनट के, मैम ज़ारा जरा दोनों हाथ जोड़े। आपकी एक फैन का कॉल आई थी, वो कह रही थी मैम ज़ारा को साथ क्यों नहीं बिठाया होगा। मैम ज़ारा जो है ना आज वो फुल, काश मैं आपको दिखा सकती। अच्छा ताहिर खान ने थम्स अप भेजा। ओके उन्होंने हाय भी कहा है, हाय ओके सलाम जी क्या हाल है। यार तुम लोग कैसे बैठी हुई इतनी गर्मी में? ओके ओके जी बढ़ते हैं शॉर्ट कमर्शियल की जानिब और उसके बाद जल्दी जल्दी से ना हम लोग वापस आ जाएंगे आपको भी बस जाना करने में। बहुत गर्मी में बैठे हुए यार तुम लोग, मुझे तो ये हो रहा है। किसी ने लिखा ये आर्टिस्ट इधर करे ना, उधर क्यों कर रहे हैं? देख तो अच्छा नहीं था। किसी ने लिखा है ये आरजे सुंदर तलागंग से किधर मूव हो गई भाई, किधर मूव हुई? ओके अब हम इनसे बातें करते हैं, क्या कह रहे हैं?
ये आरजे सुंदर तलागंज से किधर मूव हो गई है? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में. ओके, जबरदस्त. थैंक यू. मलिक ताहिर अवान ने लिखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, तमाम सुनने वाले. थैंक यू मलिक ताहिर अवान, थैंक यू सो मच मलिक ताहिर. ये बाबा हिम्मत जो है ना, हिम्मत नहीं छोड़ रहे. अच्छा बाबा हिम्मत चमन जो है, एक्चुअली इनकी जॉब ऐसी है कि मुझे लगता है वेले बैठी हुई है तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं लड़कियों शड़कियों को ना तंगशन कर दूंगे फेसबुक पे. अच्छा लड़कियों को तंग करने का ये भी एक तरीका होता है ना कि आप फेसबुक पे बस शुरू हो जाए. वैसे बाबा हिम्मत चमन जो है हमारे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे वो एक फ़ैन कह लें कि वो ऐसे फ़ैन हैं कि जो बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड करते हैं. वैसे तो लोग होते हैं ना हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम क्या आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं, वो हमेशा टॉपिक से रिलेटेड बात. अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सुंदर सियाज आज तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम के बाद आपने मरहूम सुल्तान राही की तर्ज कर आपने जख्मी होने वाली पट्टी माथे पे बांध रखी. मैं क्यों बांध रखी आपने? मुझे थोड़ा सा लड़का लुक रोक 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 वाला, ये अब ज़ारा का दिल नहीं आपको बता नहीं सकती कि हमारे साथ एक हमारी एक और आरजे जो हमारी मोस्ट सीनियर आरजे है जो हमारे खड़ी है. अच्छा उनका दिल मैं आपको बताती हूँ, उनका दिल ना यहाँ तक आया हुआ है कि काश मैं ना आ सकती प्रोग्राम में, मगर वो प्रोग्राम में नहीं आ रही है. बस नहीं आ रही, बस नहीं आ रही. शुक्र है आज आपने जो मैं आ नहीं सकती, मेरा हुलिया नहीं आने. अच्छा आज मैंने एक और बात नोट किया कि आपने सिर्फ जो है ना दिल का नाम लिया, दिल के साथ अभी हमने फेफड़े जिगर और अपने पुराने डायलॉग वो जो है ना वो हमारा रांझा है, वो जो अपना चूरन बेचता है अलग से, उसका एक चूरन होता है वो वाला बेचता है और उसमें वो दिल जुगर फेफड़े. इंशाल्लाह उसको भी इनवाइट करेंगे और हमारा जो इस तरह का मजे का शो है ना वो इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा. अच्छा, और आपको मजीद भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, कीप इट अप ऐसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे तो अब सोने का टाइम हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त शो जा रहा है, बहुत बेहतरीन शो जा रहा है. ये फीडबैक आ रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट से आपका ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आपका नेटवर्क पे जाएगा प्रॉपरली, और ये जो YouTube है ये हमारे YouTube पे भी जाएगा और हमारे इसको ये कर दें, इसको बस ये कर दें कि वो जो एक एक छोटा सा कार्ड मिलता है ना इस लड़के को, पता है ना वो उसके साथ अटैच होता है ना, तो वो हम लोग ना फेसबुक बस FM के ना लाइव उससे चले जाएंगे, तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना तो ये मैं कर दूंगी वो ताकि हो. अच्छा अली अल्ताफ खान ने लिखा है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है अगर आप लोग. ओके जी वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक लिसनर्स, हमें सुनते रहिए एंड व्यूअर्स आल्सो. देखने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पे भी लाइव जा सकते हैं. ओके जी वेलकम एंड वेलकम बैक, दिस इज मी आरजे सुंदर सियाज और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे शाहनूर साकिब. आप लोग सुन रहे हैं बज एफएम, हमारे प्रोग्राम का नाम है बज नाइट. अच्छा आपने सुंदर जो है सबसे जो है बचपन की कहानियां सुनी है, हाँ. आप अपनी भी कोई बताएं ना, मतलब कोई हमारे साथ भी शेयर करें बचपन की कहानी आरजे सुंदर सियाज की जुबानी सुनाइए. अच्छा जी शानू, मुझे कुछ अपनी बचपन की कहानी याद ही नहीं आ रही. मुझे इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि मुझे अभी तक भी लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी तक भी लगता है कि मेरा बचपन ही चल रहा है. देखो मेरा पटका खुल गया है. हाँ पटके के साथ कासिम के अब्बा कहना है. लेकिन कोई ऐसी याद जो आपको अभी तक याद हो कोई? मैं यही बताना चाह रही हूँ ना कि मुझे शायद मुझे आज मुझे हमारा टॉपिक है जिंदगी का, जिंदगी से रिलेटेड और जिंदगी से मुतालिक आज हमारा टॉपिक है. और मुझे लगता है कि जब तक वो एक कोटेशन है ना कि जब तक आप माँ की गोद में रहते हैं ना तो माँ, जब तक आप बच्चे रहते हैं तो आप माँ की गोद में रहते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपको महसूस होता है ना कि आप बड़े हो गए हैं तो माँ आपको गोद से निकाल देती है और आपको इंडिपेंडेंट कर देती है. इसी तरीके से अगर आप ज़िंदगी के साथ बच्चा बन के रहेंगे ना तो ज़िंदगी आपके लाड उठाती रहेगी, आपके नखरे उठाती रहेगी और आप इसी तरीके से हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे. जिस दिन आपको ये फील होगा कि आप बड़े हो गए हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, आप ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं ना, उस दिन आपको ज़िंदगी दूर कर देगी और कहेगी कि जा बेटा जा और अपना तजर्बा कर, जिंदगी जा सिमरन जा और जी ले अपनी ज़िंदगी. तो मुझे अभी स्टिल अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो मेरे फैंस हैं इस वक्त हम लोगों को सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको भी शायद ये पता होगा कि मैं अभी तक भी फुल अपनी जो है ना लाइफ इंजॉय. बता दूँ क्योंकि जब मैं बच्चों की पिक्चर्स लगाती हूँ तो सब लोगों को फिर कहते हैं ये बच्चे आप क्या मतलब कि क्या मतलब है, मैंने डाउनलोड किए हुए हैं. तो जी बिल्कुल बच्चे मेरे हैं और
मैं इसी तरह शायद रहती हूँ, खुश खुश रहती हूँ, तो आप बच्चे रहते हो और बस कोई मेमोरी 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 इतनी ज़्यादा मेमोरीज हैं मुझे समझ नहीं आई। मेरी कुछ ख्वाहिशात थी लाइक मुझे वो कुछ ख्वाब कह लें, छोटे होते वक्त हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं बस। पार्लियामेंट वाला सुना दो, पार्लियामेंट वाला कौन सा? पार्लियामेंट में छापा पड़ा था। हाँ बचपन की कहानी नहीं है, एक बचपन की कहानी नहीं है। अच्छा मैं A1 TV में काम कर रही थी और मेरे बॉस थे और ओ जमशेद मलिक, हेलो जमशेद, वाह क्या बात है, बहुत सियानी हो गई हो जमशेद, बिल्कुल सियानी हो गई हूँ मैं। मैं यही इनको बता रही हूँ, शानूर मुझसे पूछ रही हैं, ये शानूर आरजे शानूर साकिब हैं, जमशेद नाम से शायद आपको पता चल जाएगा ये कौन है आरजे शानूर साकिब। रिपीट करे जा रही है मिस्टर जमशेद साहब, शानूर साकिब कह रही हूँ। हाँ इसीलिए मैं साकिब शानूर साकिब शानूर साकिब भी काफी है पहचान के लिए। बस ये जमशेद एक बार फिर मैं जमशेद 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 सुन रहे हैं जमशेद। अच्छा जमशेद एक बार मैं फिर बता दूं कि हमारे साथ ना आरजे शानूर बैठी हुई है, ठीक है, और ये मुझसे पूछ रही है कि आपने अपने बचपन की कहानी बताएं, तो मैं इनको बता रही थी कि जब तक हम लोग बच्चे रहते हैं तो हम लोग ना जिंदगी इंजॉय करते रहते हैं। अच्छा शानूर एक दफ़ा हम लोग पार्लियामेंट गए और मैं अपने जो हमारे सर थे उनको उन सब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे पार्लियामेंट जाना है, मैंने पार्लियामेंट देखना है। उन्होंने कहा ठीक है, जो हमारे उन्होंने कहा ठीक है चलो आओ चलते हैं। मैं रांझा और रांझा को आप जानती हूँ और मेरे जो सर हैं वो हम लोग तीनों गए, उनको भी जानती हूँ सर, आपके आप सर को भी जानते हैं, हम लोग पार्लियामेंट गए। अच्छा इनकी वहाँ पे सीईओ जो हमारे चेयरमैन है नवाज साहब, जो है नाम ले लूँ कौन सा सुन अच्छा उन्होंने हमारे जो बॉस हैं उनको कॉल की कि आप कहाँ पे हैं, तो आगे से उन्होंने रिप्लाई किया मैं तो किसी मीटिंग में हूँ कहीं दूर हूँ। अच्छा तो हम लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, बरहाल शायद उन्होंने इसलिए झूठ बोला हो कि मुझे ऑफिस ना बुला लें। हम लोगों को हमारे जो सर हैं मुझे और रांझा को, क्योंकि रांझा भी पहली दफ़ा पार्लियामेंट गया था, तो हम लोगों को ना वो घुमा रहे हैं और फिरा रहे हैं ऊपर वाली मंजिल पे हम हैं और जो हमारे सर थे ना उनको उनके चेयरमैन यानी कि उनको उनके बॉस नजर आ गए और ऐसे हम लोग भागे वहां से, जैसे फिल्मों में सीन नहीं होता कोई डाकू पीछे पड़ जाते हैं और आप भागते हैं, ऐसे हम भागे और उनकी जो ऐनक का चश्मो चश्मे का जो शीशा है ना वो नीचे गिर गया, ठीक है, मगर हम भागते रहे किस तरीके से उनसे छुप जाए। हम लोग उनको छुप छुप के देखते रहे कि वो कहाँ पे आए कहाँ पे आए किसी तरीके से वो आगे पीछे हों, तो हम लोग निकले। तो हमारे जो सर हैं पहले हम लोगों ने उनका शीशा तलाश करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को देखें इतने बड़े पार्लियामेंट में, हम लोगों ने पहले उनका शीशा तलाश किया, उनको शीशा मिल गया, फिर उन्होंने एक तो हमारी ये भी अजाब है ना ग्लासेस भी हमारे लिए अजाब सर पे लगा के भी ढूंढते रहते हैं, वो शीशा हम लोगों ने लगाया। हम लोग नीचे जा रहे थे, इस तरफ से हम आ रहे हैं और इस तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे हैं और हमारी मुलाकात यहाँ पर, उन्होंने कहा आप तो वहाँ पर मीटिंग में नहीं थे, जी जी बस मैं अभी आया हूँ, तो ये हम लोग इतना भागे वहाँ पे छुप लेकिन रहे फिर भी एंड में जो है वो पकड़ लिया उन्होंने। और ये शाहनूर हमारे साथ कुछ कमेंट्स हैं, प्लीज आप इनको रीड कर दें। हुजूर अली ने लिखा है माशाल्लाह, थैंक यू। आतिक शाह ने लिखा है कौन से स्टेशन पे प्रोग्राम आ रहा है आपका? जी बस FM 97 पे आ रहा है आतिक शाह। अच्छा उमर खान वेरी नाइस, और नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए। हाँ बस अब घर जाके ना हम आपसे आपके व्हाट्सएप नंबर पे ना रब्ता करेंगे, ठीक है। अच्छा जमशेद मलिक ने लिखा मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ सुंदर के किस्से। तबस्सुम माशाल्लाह सलामत रहे, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। मुदस्सर मलिक ने लिखा है बाबा जी जिला तलागंग दू घर नू मुबारक, धुआं घरा नू मुबारक। अच्छा ये आप लोगों को ना शानूर की जुबान से ना बड़ी मजे की लग रही होगी पंजाबी ना, क्योंकि ये पंजाबी स्पीकिंग नहीं है। अच्छा शानूर पंजाबी आती है आपको? पंजाबी सराई की पंजाबी? सराई की नहीं आती, पंजाबी आप कह लें थोड़ी बहुत आती है। सही। जमशेद मलिक वाह क्या बात है, बहुत सियानी हो गई हो दोबारा, थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर चले जाएंगे। मलिक हामिद अवान ने लिखा जमीन पर सबसे खूबसूरत जगह तुम्हारे दिल का मरकज है जहाँ से जिंदगी शुरू होती है। वाह शानूर ये पुराने में लिखा, ऊपर चले जाएं बस एंड वाले से स्टार्ट कर दो और एंड से ऊपर आते जाएं। तनु भट्ट ने लिखा है दोबारा से FM पर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, और आपके साथ बैठी जो नीन जूनियर जूनियर सुंदर रियाज को भी सलाम। वालेकुम सलाम, वो बस करीब उसमें भी मेरा जो है ना असर पड़ने रहा है, वो भी 24 घंटे मेरे
साय में होती है, तो अनकरीब जो है ना वो उस पर भी जो है मेरा असर पड़ रहा है। तबस्सुम तबस्सुम ने लिखा है, असा यार ड्राइवर लोगा नाल ते केड़ा दिल ते केड़ा दिल है, क्या लिखा ते केड़ा दिल है लाना, पता नहीं क्या दिल लाना भी, हम ड्राइवर्स लोगों के साथ किसने दिल लगाना है। खुर्रम शहजाद वानी ने कहा, सुंदर क्या हाल है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सुंदर क्या हाल है। ठीक ठाक, दोस्ती समेट लेती है जमाने भर के रंजो गम। चले सज्जाद खान ने लिखा है, आरजे सुंदर आई लव यू। ओह आई लव यू टू। हमारे वैसे भी पीएम भी कासिम के अब्बा भी कहते होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो हमारे एक और जो लंदन में बैठे हैं ना, जो हमारे लंदन में बैठे हैं, वो भी आई लव यू टू का जवाब देते होते हैं ना। नाम उनका भी नहीं ले रही है, नाम उनका भी नहीं ले रही, हो सकता है कि पैमरा उस पर भी पाबंदी लगा दे, मगर उस पर नहीं लगाता। अच्छा, मलिक हमीद अमान ने लिखा है, मुलाकात के सिर्फ दो ही मयार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात। मलिक अब्बास ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद चौधरी सलाम। वालेकुम सलाम। शहजाद चौधरी कैसी हो। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप ऑपरेट करो। हमरा कमेंट नहीं, क्या लिखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो ना, अभी आप मैं आपका ही ऊपर नीचे करती हूँ ना, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आती कि मुझे समझ नहीं आती मैंने कितना ऊपर करना है कितना नीचे करना है। कभी आप क्या बोल रहे हो, कभी क्या तो गए, मतलब बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आती कब आपने बोलना। जब आपने बोलना है आपने इसको नीचे कर देना, और जब आपने नहीं बोलना पास देना तब आपने, ठीक है, इस पर एक हाथ रखो और एक इस तरह से पढ़ा रहे यहाँ पर, इस ये ठीक है, एक हाथ में ये रहे और एक हाथ में ये। ओके जी, ऐसा भी होता है और ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। ओके जनाब, आप लोग हमें सुन रहे हैं बज एफएम से, आप सच कह रही हूँ यकीन नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर से आप लोगों को नंबर शेयर कर दें, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, किस तरीके से कॉल करनी है आप लोगों ने हमें। हमारा नंबर है 0518449797, 0518449797, एक दफ़ा फिर से 0518449797, एक दफ़ा फिर से 0518449797, ये हमारा नंबर है और इस नंबर पर करेंगे आप लोग कॉल और करेंगे हमसे बात। ओके जी, एक शॉर्ट से कमर्शियल की तरफ जाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी 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 वापस आते हैं, वेरी सून, वेरी 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 सून, वेरी सून। ओके, वी आर गोइंग। अच्छा, मैं पता क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि देखो ना, मैं जब आपका ये ऑपरेट करती हूं, तो मैं फिर अपने वॉइस के साथ इसको जो हाँ, वो आप खुद करोगे तो ज़्यादा इजी होगा ना, इसको ऊपर नीचे कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कब नीचे करना है कब ऊपर करना है, तो ये सीख जाओगे। पहले आज आप ये करो ना, फिर बाकी एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता समझाते हो। ओके जी, आप लोग हमें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, सो गए क्या, हो गया है, क्यों सो गए हैं आप लोग, हम लोगों को कॉल ही नहीं आ रही। आप हमको मैंने पिन किया है यहाँ पर, पिन नंबर मैंने पिन किया है 0518449797, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करें। अच्छा जी, कॉल किस वक्त लेती हैं तनवीर भट्ट, क्यों नहीं कॉल आ रही, कॉल करें ना आप, कॉल करें, कॉल आएगी ना, कॉल कर ही नहीं रहे आप लोग। अच्छा, सगीर राजपूत कैसी हो जनाब, आपका माइक्स अपना मार्क्स तो उतार दो जनाब के दर्शन हो जाए। दर्शन नहीं कराते ना हम, ऐसे ही दर्शन नहीं कराते, ये दर्शन ऐसे ही नहीं करवाते, ये कराते ही नहीं, ऐसे ही क्या कराते ही नहीं है, बस ये दर्शन नहीं करवाती बस। अच्छा, मलिक हामिद अवान कहते हैं, जो अपनी जवानी में सीखने को नज़रअंदाज करता है वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। यार तुमने बहुत ही गहरी बात करके हमारी बात मेरे ना ऊपर से गुजर गई। अच्छा,
वासिक अबासी कहते हैं तुमसे रंजिश भी है और इख्तलाफ भी है और कुछ आइन शीन काफ भी है। वाह 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 वाह। सॉन्ग्स इश्क, हाँ सॉन्ग्स नहीं लगा यार हमने अभी तक, सॉन्ग इसलिए नहीं लगा रही है बस अभी इसके बाद सॉन्ग लगा देती हूँ। असल में वो हमारे दूसरे ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा ना, पहले वो बुफर में चल रहे थे ना वो उसका, वो एक और सिस्टम होता है जिससे हमारी जो फेसबुक वाली ऑडियंस है ना वो भी सुन लेती है। अच्छा सुंदर मैडम आपसे एक गुजारिश है, रिप्लाई करना मैसेंजर पे प्लीज़ प्लीज़। मैं तबस्सुम इधर ही कर दे, जमशेद कह रहा है कि नंबर इज गोइंग बिजी। जमशेद क्यों बिजी जा रहा है नंबर? आई डोंट नो नंबर क्यों जा रहा है बिजी। अच्छा असल में ये भी है कि जब बहुत से लोग एक ही टाइम पे कॉल कर रहे होते हैं तो नंबर बिजी चला जाता है, कॉल्स तो फिर भी आती हैं। अभी आ रही है, अब आई है। ओके ओके अभी आप लोग की कॉल नहीं रहने दीजिए, रहने गलती से दब गया होगा। अच्छा अभी आप लोग की जब कॉल, अभी जब मैं दोबारा वापस जाऊंगी ना लोग सॉन्ग का कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम हम परदेसियों के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। तलहा जमशेद हाउ आर यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दुबई। वाओ भाई दुबई से भी लोग हमें सुन रहे हैं। हाँ मोहम्मद इरफान मिन्नी एरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखो है बाजार नहीं होने दिया। वाह वाह अभी ना ले इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आप लोगों की कॉल्स जो है हम लोग लेते हैं, बस ये एक कमर्शियल है कमर्शियल। वासिक अब्बासी कॉल खुद ही करनी पड़ेगी, जी जी खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि हम तो कॉल करेंगे नहीं आपको जी हमारे पास तो नंबर भी नहीं है। मोहम्मद अकबर आवाज बहुत प्यारी है। ओए हवे किसकी आवाज प्यारी है, यहाँ पे आज दो दो आरजे बैठी हुई है ना बैकग्राउंड म्यूजिक। शहजाद चौधरी अभी मिलाया नंबर आपका, जी जी आप लोगों का कॉल आ रही है अभी, बस हम ऑन एयर जाएंगे तो फिर हम चले आपको भी वेलकम करें। वो आप करेंगे अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक प्यारे सुनने वालों। यार ये मेरी से ओके जी वेलकम एंड वेलकम बैक तमाम लोगों को खुश आमदीद। ओके जी देखते हैं जी कौन है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम हेलो जी सर आप कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना होगा। हेलो को देखें। ओके जी एक दफा फिर से आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर दें, हमारे पास नंबर है 0518449797 ये हमारा नंबर है और इस नंबर पे करेंगे आप लोग कॉल। ओके जी हमारे साथ हैं कॉलर मौजूद और शाहनूर करेंगी इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं जी? तारिक क्या कहेंगे आप? अच्छा सादिक आपकी आवाज असल में ड्रॉप हो रही हो और बहुत ही आहिस्ता आ रही है। जी जी बोले तारिक साजिद जी साजिद बोले हेलो जी जी बोले आप जी जी तलक अंग से बात करें जी फरमाइए। बचपन को याद कर एक मिनट ये जो है ना आवाज पीछे बैकग्राउंड अस्सलाम वालेकुम दोबारा आवाज रिपीट हो रही है। हेलो जी जी आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? साजिद बात कर रहे हैं, कैसे हैं साजिद आप? साजिद 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 कैसे हैं आप? अच्छा तलगंग वाले लोग कब से इतनी देर देर तक जागने लग गए, 11 हो गए हैं।
ढोक फकीरा गांव से हमारे साथ मौजूद हैं साजिद। हाँ हाँ, अच्छा बिद्धड़ बनार के साथ साजिद मौजूद है हमारे साथ। अच्छा साजिद ये बताएं, आज का टॉपिक सुना है आपने, किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं? पुराना छेड़ा हुआ है क्योंकि हमारे साथ जो है वो आरजे शाहनूर बैठी हुई हैं, और क्योंकि ये खुद भी बच्ची हैं और क्योंकि ये टीनेजर में हैं अभी तक, तो इनको क्योंकि ये जानना चाहती हैं तमाम लोगों की ना चाइल्डहुड मेमोरीज जानना चाहती हैं कि कौन से कैसी मेमोरी। जी जो पट्टी बांध रखी है, असल में ना मैं आपको बताती हूँ, मेरी पट्टी मैं आज ना ऑन एयर इस पट्टी की ना कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना वो रॉक स्टाइल जो है ना, जो रॉक स्टाइल होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा पसंद है। अब आई डोंट नो क्यों, मुझे अपने लिए थोड़ा वेस्टर्न लुक मुझे अपने लिए अच्छी लगती है, ईस्टर्न से हट के वेस्टर्न लुक अच्छी लगती है। हालांकि मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है, तुम ना ईस्टर्न ड्रेसेस जो है ना वो पहना करो, मगर मैं जो है ना मुझे वेस्टर्न अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ये रॉक स्टाइल के लिए ना तो ये मैं फिर बांध देती हूँ। तो कभी कभी बांधती हूँ, हमेशा थोड़ी भी बांधती हूँ मैं। तो ये तो मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम लोग तो लाइव हैं और बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं। हाँ नहीं, तो मैंने पिछली दफा कहा था ना कि जो लोग हमारे साथ ट्रिप पे आना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। चले हमारा जो ट्रिप है वो हर वीक जा रहा है, अभी जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप जा रहा है ना वो कश्मीर जा रहा है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठीक है। जी जी अच्छा, किस चीज का? अच्छा डेयरी फार्म, फिर हमारे लिए कुकड़ियां आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूध शूद तो आ जाएगा ना, मैं कह रही हूँ दूध तो आ जाएगा ना, फिर 5-6 किलो 10 किलो दूध आ जाएगा। नहीं ना उत्तराखंड तो नहीं होती हूँ ना, आपको पता मैं इस्लामाबाद होती हूँ। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं मेट्रो में जाती हूँ, मैं गाड़ी में जाती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, बस मैं वीडियो बना लेती हूँ और वीडियो बना के मैं पोस्ट कर देती हूँ। हाँ तो चले साजिद नाम था ना आपका। किस नाम से कंपनी है? सॉरी मुझे समझ नहीं, स्पेलिंग्स बोलेंगे? बोवी टच, बोवी टच। आप कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा सही से समझ आ जाएगा, बोवी टच ठीक है, आप इसको जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा और जरूर हम लोग जो है ना कलर। अच्छा आप कलर कहार में होते हैं या आप फिर आपने मुझे बताया आपने कहाँ पे, आपने मुझे कुछ और नाम बताया? नहीं तो ये तो आप कलर कहार का बता रहे हैं ना, अभी जो वैली सिंह का ठीक हो गया। चल इंशाल्लाह ज़रूर जब भी हमारा चक्कर लगेगा तो मैं जो है ना वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप मैं मुझे मैसेज वगैरह कर दीजिएगा ज़रूर ठीक है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़। ठीक है ज़रूर आप इस तरह कीजिएगा ना कि मेरी किसी पोस्ट पे ना कमेंट कर दें ठीक है। इसके बाद इससे जो नीचे वाली पोस्ट है ना जो मैंने डॉग्स के साथ एक मैक्स डॉग के साथ जो मैंने लगाई है ना वहाँ पे अपना एक कमेंट छोड़ें और अपना नंबर छोड़ें, मैं आपसे भी कांटेक्ट करती हूँ। उस वाली पोस्ट पे छोड़िएगा ठीक है। नहीं इस पर नहीं छोड़ना, इस पर तो इतने लातादात कमेंट्स हैं कि इसकी तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो इससे पीछे वाली एक मैंने डॉग की लगाई है, कुत्ते की एक लगाई है तस्वीर, उस पर आप कर दें ठीक है। वहाँ क्या नाम है डॉग फकीरा से जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, तमाम लोगों को मलिक साजिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम ठीक है। ओके जी खुदा हाफिज। ओके जी अभी बढ़ते हैं हम, ओके जी अभी हम बढ़ते हैं। अच्छा कॉल पिक कर ली जाए।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से जी? फहीम, जी जी बोले आप, जी फहीम बोले। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी एक और है कॉलर हमारे साथ, और हमारे साथ हैं शाहनूर, आरजे शाहनूर, जो आप लोगों से पूछेंगे आप लोग की बचपन की याद है। ओके जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक आप सुनाए जी? जी वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अच्छा जी, तो आप, हमारा आज का टॉपिक है जिंदगी के हवाले से, आप जिंदगी के बारे में क्या कहेंगे? जी ये तो है, जी, और मेरे लिहाज से जिंदगी जो है एक आइसक्रीम की तरह है, मुझे लगता है कि इस जिंदगी को जो है आइसक्रीम की तरह, इसलिए इसको पिघलने से पहले हमें चाहिए कि हम इसको एंजॉय करते रहें, लाइफ के हर टेस्ट को जो है हमें टेस्ट करना चाहिए, ऐसा है जी? बिल्कुल जी, जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि टेंशन क्यों लेनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन क्यों लेनी है भाई, बस एंजॉय करते रहे। जी जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी वालेकुम सलाम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक। ओके जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है हमारा 0518449797। एक बार फिर से आप लोग सब रिपीट करते चलूँ कि हमारा नंबर है 0518449797, और एक दफ़ा फिर 0518449797 ये है हमारा नंबर, और इस नंबर पर करेंगे आप लोग कॉल। और अगर आप लोग मैसेज करने में कंफर्टेबल हैं, अगर आप लोग मैसेज करना चाहते हैं हमें, तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आप लोग मैसेज हमें? आप लोगों ने अपने राइट मैसेज में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है 97 स्पेस देनी है, अपना नाम, अपना प्यारा से प्यारे से शहर का नाम लिखना है, आप लोगों ने अपना प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज सेंड कर देना है 4471 पर। ओके जी, बहुत से कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से जी? मोहम्मद उस्मान, क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, अच्छा आपका सवाल मुझसे, मेरा आपसे ये है कि चले आज का टॉपिक तो हमारे ज़िंदगी का ही है, तो ज़िंदगी के हवाले से मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ज़िंदगी में अक्सर जो है मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आपको क्या ज़िंदगी, मतलब आप एक टाइम आते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो क्या इंसान जीना छोड़ दे, क्या किया जाए उस सिचुएशन में? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल जिंदगी से तंग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, और मेरे हिसाब से जो है सब्र रखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और हौसला जो है हमेशा अपना बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी ना हारो कभी ना भूलो, हिम्मत रखो, बस हौसला रखो और बस जीते जाओ, खुल के जीने का जो है नाम यही जिंदगी है। ओके जी, खुल के जीने का नाम ही जिंदगी है। ये थी हमारे साथ आरजे शाहनूर, और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि आरजे शाहनूर के साथ आज फर्स्ट शो करके, मुझे लग रहा है कि आरजे शाहनूर जो है ना वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा टॉपिकल है। अच्छा क्या वजह है शाहनूर, कभी आपको किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बतूनी हैं? अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते नहीं वो कहते हैं यार बहुत ही मासूम और बहुत ही जो है शरीर शर्मीली होगी, लेकिन जो मेरे साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं उनको मैं अपना खुल के रंग दिखाती हूँ।
सही है, मतलब कि क्या है खुल के रंग, मतलब कि क्या है हमारे नाज़रीन और हाज़रीन और सामीन जानना चाहते हैं कि मतलब इस मासूम चेहरे के पीछे मतलब कि कौन सी चीज चुड़ैल छुपी हुई है। चुड़ैल नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा मजाकिया, बहुत ही ज्यादा मतलब हर किसी को खुश रखना और हर किसी की हेल्प करना, मतलब खुशी बांटना, ये मेरा मकसद होता है। मतलब लोगों को बस एक किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने बहुत ही हुनर की बात होती है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत ही हुनर की बात होती है। ये थी हमारे साथ आरजे शानूर, और ना चाहते हुए भी मुझे अभी जाना पड़ रहा है एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और अभी हम जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की तरफ और उसके बाद आपको मिल गया। हाँ, आप लोगों का जो ये जो दुख और गम है ना कि जो हमें कॉलर्स कॉल कर रहे हैं उनकी आवाज़ आप लोगों तक नहीं जा रही, और ये जो BGM पीछे चल रहा है, ये जो आवाज़ पीछे आ रही है वो आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत जल्द वेरी 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 सून ये वाला भी आप लोगों का जो गिला शिकवा है ये हमसे ख़त्म हो जाएगा, और ये अभी जो अगले कमेंट्स हैं वो शानूर पड़ेगी। ना बच्चे थोड़े से, हम थोड़े अभी बूढ़े हो गए ना, तो अभी एनर्जी लेवल जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो अभी जो है ना वो शाहनूर आइंदा से जो आप लोगों की कमेंट्स वगैरह हैं वो ये पड़ेगी, और इंशाल्लाह शाहनूर का जो फेसबुक पेज है वो भी हम लोग आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे, तो आप लोग जो है वो इनके साथ भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसामा दानियाल कॉल बिजी जा रही है, कॉल जो है ना वो बिजी जाएगी कॉल। राजा हाशिम बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत अच्छा लगा, काफी अर्से बाद रेडियो पर लाइव देखा है आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मलिक हमीद अवानी का खूबसूरत जिंदगी के राज, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, दुआ दीजिए। तनवीर बट इतनी लंबी कॉल ना ले लिया करें, शॉर्ट बात होनी चाहिए, डिटेल में बात करते हैं ना। अच्छा हम चाहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट वेरी वेरी नेक्स्ट डेज जब हमारा ये जो फेसबुक से जब हम लोग ऑन एयर जाने लग जाएंगे ना, तब आप लोगों को ये शिकवा होगा, और आप लोगों को पता है कि ऐसा होता है कि मैं कॉल्स लेती ही नहीं हूँ, बिल्कुल इतना ज़्यादा रश लग जाता है, क्योंकि आज मैं बहुत अरसे के बाद लाइव आई हूँ तो मुझे लगता है कॉल्स कम आ रही हैं। अभी तक भी कॉल्स आ रही हैं बट मुझे लगता है शायद कम आ रही हैं, तो फिर बहुत सारे हाजरीन सामीन नाजरीन सब जानते हैं कि किस तरीके की जो है ना वो कॉल्स होती हैं हमारे साथ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अच्छा वो अब ज़ारा से बात कर लेते हैं ना, जिंदगी में क्या फोन है अभी पीछे थी नंबर पे कॉल। अच्छा एक और बात ये कि 12 के बाद ना नकी, तुम देख रहे हो यार, तुम कॉल नहीं कर रहे हो, कितनी बदतमीजी की बात है, और तुम हमें कमेंट भी नहीं कर रहे हो, और नेक्स्ट फ्राइडे को नकी भी हमारे साथ होगा। एक फ्राइडे को मैं रांझी को लेकर आऊंगी, अगले फ्राइडे को रांझा, और उससे अगला फ्राइडे जो है ना वो लड़का है ना उससे भी पूछ लेते हैं। हर शो में मैं हूँ, हाँ हर शो में जो है ना वो शानूर हमारे साथ एक गेस्ट होगा, मैं और शानूर होंगी, और हमारे साथ एक गेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा होगा, और फिर जो है ना वो हम उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, या तो फिर वो बोलेगा तो या फिर हम बोलेंगे तो या फिर रेडियो बंद होगा। अभी वेलकम बैक करना बहुत ज़्यादा जोश तरीके से करना, ठीक है अभी जाग रहे हैं, चेक कर वाईफाई से कनेक्ट करवाते हैं ना आप, तो फिर वो सही हो जाता। चलो आप अभी फौरन से बहुत इनर्जेटिक होकर करना, ठीक है, वेट करें, उसको सुन लिया ना आप। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे लिसनर्स, वेलकम बैक हमारे रेडियो शो में, और जो है आज का मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, आज का हमारा टॉपिक था जिंदगी के हवाले से, और जिंदगी के बारे में बहुत सी हमने मजीद बातें भी की हैं, लाइफ कॉल्स भी लिए, तो जिंदगी अगर आप लोग बताना चाहते हैं हमने जिंदगी के हवाले से कुछ भी, तो हमारे साथ अभी शेयर कर सकते हैं, हमारे शो का हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, अभी कॉल कीजिए 0518449797 पर, और हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनिए। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ 0518449797 पर, या फिर SMS कीजिए 97 स्पेस योर मैसेज, और फिर सेंड कर दें 4471 पर। ओके जी, दिस इज मी सुंदर श्रियाज, आरजे सुंदर श्रियाज, जो रॉकिंग रॉकिंग एंड रॉकिंग आरजे सुंदर श्रियाज, मेरे साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की। पिछले दिनों जो है ना वो एक बार्बी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था,
मुझे भी पानी दे दे। बारबी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि बारबी डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, वरना हम लोग भी जो है ना वो बारबी डे सेलिब्रेट करते। शानू आपको पता था कि बारबी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? नहीं अभी पता चला आपसे। नहीं पूरी दुनिया में मैंने सबकी इंस्टास भरी हुई है, फेसबुक्स भरी हुई है, हर जगह पे भरा हुआ है बारबी डे। हर लड़की जो है वो उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, बारबीज का पिन शिन स्ट्रॉक्स वगैरह हर चीज़ लगाई हुई है। पता ना चल सका, तो मुझे पता ना चल सका कि यार बारबी डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कैसे मनाते हैं बारबी डे? क्या उसमें आपने बस ड्रेस पहनना होता है, बारबी ड्रेस पहनना होता है, या फिर आप लोग आपने मेकअप सही पिंकिश पर्पल और मेकअप आई मेकअप करना होता है, पिंक सही बड़े बड़े करके लिपस्टिक बनानी होती है, और आपने चीक से, हम लोग बाद में वैसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह तो एटलीस्ट बना सकते हैं हम। बिल्कुल ओके जी। कॉल कॉक्स का आप एक खूबसूरत सा बीजीएम सुन रहे हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा। कॉल्स भी आ रही हैं तो चले चलते हैं शानू कॉल की जाने, कॉल देखते हैं सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जी? फरमाइए जी। जी आप सब फैन की हम बहुत ज्यादा कदर करते हैं दिल से, और तहे दिल की गहराइयों से हमारे इस सेगमेंट में आप सब का मशहूर है। हेलो जी जी बोले। जी अब हम वापस आ गए हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और हमारे शो का हिस्सा बने। सागरी काजमी ने कमेंट किया है जबरदस्त गुड प्रोग्राम। उस्मान आलूश ने कमेंट किया है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, लाइक इट। आरजे सुंदर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुजम्मिल अब्बास आपका नंबर बहुत मशरूफ था, आपका नंबर बहुत मशरूफ था, आपका नंबर बहुत मशरूफ था। लोग रो रहे हैं आरजे शानू, लोग जो है ना वो रो रहे हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं मगर हम लोग उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। उस्मान आलोश ने कहा आपने अटेंड करके मेरी बात ही नहीं सुनी जी, अभी तो आपकी कॉल पिक की है। ओके जी देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो और कहां से बात कर रहे हो? हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हो और कहां से बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद रियाज बात कर रहे हैं लाहौर से। बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत है, और क्या करते हैं? ड्राइवर हैं आप और इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लाहौर से। हाँ सही, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? अच्छा जा रहा प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आप कहाँ से सुन रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं या फिर वैसे सुन रहे हैं आप? फेसबुक पे देख रहे हैं हमारी, हमारे प्रोग्राम को इसी तरीके से सुनते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। ये हमारे साथ थे हमारे लाहौर से लिसनर्स। लाहौर हो, कराची हो या फिर हो इस्लामाबाद, हम करेंगे आपसे बात और आपसे जानेंगे आपके दिल का राज। क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में और उस बारे में, हर चीज़ के बारे में। ओके जी मुझे एक बहुत ज़ोर से एक सॉन्ग मैं शाहनूर, मैं जब वैसे रेडियो पे प्रोग्राम करती हूँ ना तो मैं पता नहीं लोग तो ऑब्वियस सी बात है लोग तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ना, मगर मैं अपना प्रोग्राम जो है ना वो सही जिसके तरफ टन हो के या मस्त हो के अपना प्रोग्राम जो है ना वो मैं सही इन्जॉय करती हूँ। ओके जी इस वक्त हम लोग पहला सॉन्ग चलाने वाली हूँ मैं हारून का, हारून का सॉन्ग सुनते हैं, देखते हैं हारून क्या कहते हैं। काश हमारी जो फेसबुक फैमिली है ना वो भी ये सॉन्ग सुन सकती। मैं सॉन्ग सुनूं तो मुझे ना
सिर्फ मैं ही इंजॉय कर सकती हूँ, आप लोग नहीं सुन सकते। आप उनको हमारे प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये आप लोग हमें बताना है। मैंने देखी मेरी महबूबा तेरी मगरूरियाँ अंत हबीबी महबूबी महबूब दिल महबूबा ले जा महबूबा आया हा महबूबा बारे। ओके जी हम बढ़ते हैं अपने फेसबुक की जानिब और अभी आप पढ़ेंगे कमेंट्स। कभी आए ना यहाँ से बड़े बाबा हिम्मत चमन, आपको वैसे भी आप कह रही थी कि बाबा हिम्मत चमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं। मले मले कमेंट कर लेना पड़ता है, मरता नहीं कोई किसी के बगैर, ये हकीकत है ज़िंदगी की, लेकिन सिर्फ सांस लेने को ही तो जीना नहीं कहते। बाबा हिम्मत चमन ने लिखा कभी आए ना कराची बाबा हिम्मत चमन, क्यों आप मुझे निकलवाने के चक्रों में है, मतलब बाबा हिम्मत चमन आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे वीगो डाले क्यों मेरे पीछे लगा रही है आप पे। हाँ वासे कब्बासी कमाल है, थैंक यू, कमाल है बेमिसाल है। उस्मान आनोश ने लिखा है सॉन्ग लगा दे, अभी लगाए तो लेकिन आप जो है आप लोग नहीं सुन सकते वो, हम लोग इंशाल्लाह सिस्टम अपडेट होगा ना तो फिर हमारी फेसबुक फैमिली भी जो है ना वो कॉलर्स की भी बासी का बासी। ओए होए क्या अंदाज है गाने गाने का। राजा श्याम कश्मीरी सलाम, कैसी है आप? वालेकुम सलाम। इस्लाम खान कॉल व्हाट्सएप पे भी होगी? नहीं सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं होगी, कंजूस लोगों आप लोगों को कॉल करनी होगी। बैलेंस बैलेंस आइंदा हर फ्राइडे को आप लोगों ने अपने बैलेंस फुल करवा देने हैं। वासी कब्बासी लाजवाब भी है जनाब, तबस्सुम तबस्सुम। अच्छा तबस्सुम तबस्सुम ना हमारे प्रोग्राम में शुरू से है, एक बाबा हिम्मत चमन है हमारे साथ शुरू से एंड तक मुझे लगता है, और एक तबस्सुम तबस्सुम जो है ना ये हमारे साथ शुरू से एंड तक है। इस्लाम खान ने लिखा है आज रात को बहुत रूप चढ़ा है, बस रात को कभी रूप चुड़ैल हो जाता है। अच्छा इन्होंने लिखा है तबस्सुम तबस्सुम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक साल पहले शादी हुई, इस गुनाह से जो औलाद हुई इसका नाम महंगाई रखा, अब दोनों लड़ रहे हैं कि ये औलाद हमारी नहीं है, हम लोग सही है। उस्मान अनुश ने लिखा मैडम वेस्टर्स से क्यों चले गई आप, क्यों चले गई भाई? वेस्टर्स से बस इस्लामाबाद आ गई हूँ मैं, भी ले सकते इस्लाम खान और वो नहीं दुबई हूँ इसलिए। अच्छा वो कह रहे मैं दुबई हूँ इसलिए। उस्मान अनुश टाइमिंग कंफर्म कर दें प्रोग्राम की, हर फ्राइडे को 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और हम लोगों के प्रोग्राम में ना आगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में एक आप हमारे साथ गेस्ट भी देखेंगे जिसको हम लोग इंगेज कर रहे होंगे अपने साथ। मलिक हमीद अवान ने कहा है सुंदर अंत हबीबी अलवाल वाला अंत हबीबी या हबीबी मरहबा। आयशा हेरा शर्म कर लो, किस चीज की, किस चीज की शर्म करनी बता दे आप, ये भी लिख देती सा सम टाइम, लोगों को भी पता नहीं होता उन्होंने किस चीज की शर्म करनी है। अच्छा दानिश चौधरी कह रही है, कह रहे हैं नाइस जी मैं बहरिया से देख रहा हूँ। अली ने लिखा है क्या छिचोरापन चल रहा है, बस हमारे अगर आप लोग देखे ना मैं बैठी कैसी हूँ तो फिर आप लोगों को पता चले क्या छिचोरापन चल रहा है। अस्सलाम अमीर सुल्तान अवान, शेख वकास पहली बार ज्वाइन किया है आपको वेलकम कर दें, मेरा वेलकम करें, वेलकम वेलकम वेलकम। तबस्सुम रियाज रांझा, हमारा दिल गुर्दा और फेफड़ा आ गया दोबारा, तबस्सुम रियाज रांझा एक दो फिर से आपको खुशामदीद। चाचे साकिब को भी तो वीडियो में ले लें, अल्लाह उनको नेक्स्ट टाइम लेंगे। अच्छा ना हम लोग के बाद है ना, नहीं वो रेडियो ही बंद हो जाता है 12 बजे रेडियो बंद हो जाता है।
बाबा हिम्मत तमन्ने चंगा जी ने आवाज की माफ थे तबस्सुम रियाज रांझा आपने सुबह अपनी दुकान खोल ली है आप सो जाओ 8 बजे आपने दुकान पे पहुंचना होता है अपनी वासी का वासी सजा बन जाती है गुजरे वक्त की यादें ऐ जिंदगी न जाने क्यों मतलब के लिए मेहरबान होते हैं। अच्छा अमीर सुल्तान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अमीर सुल्तान अवान कुफरी सून वैली से ओके जी वो तमाम लोग जो हमें सून वैली से सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अनोज ने कहा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है थैंक यू। इस्लाम खान कह रहे हैं कितने जालिम है जंदान के नगेबान मोहसिन आप लगती है इसको मैं सिखाऊंगी मुझे इतनी बुरी लग रही है इतनी सारी पोइट्री गाना ये इतनी प्यारी आप लोगों की भेजी हुई इतनी प्यारी प्यारी पोइट्री गाना ये दिल गुर्दा और कलेजा निकाल रही है इसको अगली दफा मैं सिखा के लाऊंगी। अच्छा फिर तो पढ़ लेते हैं कितने जालिम है जंदान के नगेबान मोहसिन आँख लगती है तो जंजीर हिला देते हैं सही खुश है। अच्छा मलिक शाहिद हिला हला जी असी ये पंजाबी इतनी असी ता सोने आ खुदा हाफिज गुड नाइट से बबो क्या अगर हम भूलना चाहें तो तुम क्या भूल सकते हैं तो तुम क्या भूल सकते हो ओके जी वी आर बैक गब्बर इज बैक I am back. RJ Shanur is back. RJ Mustrials is back. We are on Buzz FM. You are watching us from my Facebook page, official page, RJ Mustrials. This is me, RJ Mustrials, and RJ Shanur Sakib. ओके जी हौसला रखें सब्र तो करें थोड़ा सा सब्र कर लें देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पर अस्सलाम वालेकुम हाय वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये आवाज मुझे पहचानी पहचानी लग रही है कौन बात कर रहे हो और कहां से बात कर रहे हो तनवीर भट्ट वॉक एंड से आप वो वाली तनवीर भट्ट है ना वो जो जिनकी एक बेटी भी थी देख ले तनवीर बट मैं आपको भूली नहीं हूँ मैं आप देख ले फिर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी आपने कहा आपके आपकी जो अस्सलाम वालेकुम इसकी वजह से जहरा मैं आपको पहचान गई हूँ कैसे आप तनवीर तनवीर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं आप फेसबुक से सुन रहे हैं या आप फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहे हैं ठीक है कैसे हैं तनवीर आप जी जी करें करें बातें करें हर जुम्मे को रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा होगा आप लोगों के साथ साथ जिस पे करेंगे हम लोग दिल की बात आदि सुंदर रियाज के साथ। अच्छा कॉल असल में आज हमारा बज़ एफएम पे मैं बज़ एफएम पे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ मगर ये वाला जो प्रोग्राम है ना ये मेरा एज अ होस्ट फर्स्ट प्रोग्राम है ना तो इंशाल्लाह जब आने वाले दिन होंगे तो थोड़ा सा सिस्टम को भी अपडेट करेंगे क्योंकि अभी बहुत से नाजरीन सामीन जो है ना वो आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं वो सिर्फ मुझे सुन रहे हैं ना कॉल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं जी जी कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही है वो आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द सिस्टम को अपडेट करेंगे और वेरी सून आप लोगों को ये गुड न्यूज़ सुनाएंगे ठीक है तनवीर रीड नहीं किए थैंक यू सो मच जी जी अच्छा अच्छा जी बात करवाएं वालेकुम सलाम बेटा कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक 14 अगस्त की तैयारी हुई है या नहीं हुई हो गई है ओके बेटा आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है अपने बाबा का भी ख्याल रखना है और आपने अच्छा सा 14 अगस्त पे तैयार होकर हम लोगों को तस्वीर भेजनी है ये थे हमारे साथ वॉकेंड से तनवीर जो कर रहे थे हमसे बात अपनी प्यारी सी नन्नी मुन्नी बेटी के साथ और उनकी बेटी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था इस वक्त आप लोग हमें सुन रहे हैं बज़ एफएम 97 इस्लामाबाद से और आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं किस तरीके से आप लोग करेंगे हमें मैसेज और किस तरीके से आप लोग हमें करेंगे कॉल वो मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताती हूँ
कॉल करने का तरीके कार है 0518449797 पे करेंगे आप लोग हमें कॉल, और इसके साथ साथ आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों ने राइट मैसेज पे जाना है, और आप लोगों ने हमें क्यों बात करना है, मैं चाहूंगी तो मुझे आगे नींद, ठीक है हम लोग 10 बजे सो जाते हैं असल में, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे नींद, अच्छा अच्छा इजी, हाँ ये ठीक है। साकिब साहब का प्रोग्राम फ्राइडे को ही फिर 9 से 10 रखें, क्योंकि 12 से 1 रेडियो बंद हो जाता है। हाँ नहीं तुम कितने बजे, असल में हम चाहते हैं 10 से 12 हमारा हो, तो 9 हम लोग ने कहा था 12 से 1 इनका हो, नहीं 1 घंटे का शो कोई भी नहीं ना होता, कोई भी नहीं होता, 2 घंटे 8 से 10 कर दें, 8 से 10 ये आ जाएंगे और 10 से 12 हम आ जाएंगे। साकिब साहब को मैं इन्वॉल्व करना चाह रही थी थोड़ा सा, जो जैसे वो गाना गाना लगा दो ना, ये बीजीएम जा रहा है, बीजीएम नहीं जाना चाहिए, गाना जाना चाहिए, तो ये है कि साकिब साहब को मैं चाह रही थी कि इनका कोई कुछ ऐसा, लेकिन अभी पॉलिटिकल एनालिसिस हम करना नहीं चाह रहे, सर ने ना अभी उस पर थोड़ा सा किया है, कोई गेस्ट बेस्ड शो हो ना तो ज़्यादा बेटर, टॉपिक क्या हो, डिफरेंट जो सोशल टॉपिक्स हैं ना उनके, ठीक है ठीक है, अभी पॉलिटिकल हालात ऐसे जा रहे हैं कि हम अभी पॉलिटिकल शो करना नहीं चाह रहे, सही है ओके, तो गेस्ट बेस्ड कर ले चाहे, ठीक है तो फ्राइडे में करना चाह रहे, फ्राइडे को ही ताकि हम लोग इकट्ठा आपस में करेंगे, 10 से 12 ये करेंगे तो 8 से 10 8 से 10 ये करेंगे तो 10 से 12 हम करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग इसमें बैठ के ना थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना, कि मैंने अपना बीजीएम भी बनाना, फिर मैं आपसे बाकी बात कॉल पे करूंगी, मैं फिर भी जाजिब को सुला लूं, उसको नींद आ रही है, ठीक है आप लोग जाएं, आप ठीक है फिर इंशाल्लाह होती है, अल्लाह हाफिज़, वेलकम बैक आप करोगे ठीक है, उसके बाद कॉल जा करोगे, वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं आप जी, शाहिद क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा जी तो बहुत शुक्रिया हमारे शो सुनने के लिए और देखने के लिए, आपने फेसबुक से कॉल की या रेडियो पे आप सुन रहे हो, जी जी ये तो है, जी आपको ये सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, ओके जी ये हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, और एक बार फिर से हम लोग जाते हैं अपने ट्रैक की छाने, हमारा ट्रैक क्या है, कहानी सुनो जुबानी सुनो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए जी, सुंदर साहब से बात करना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, हरिपुर से कौन बात कर रहे हैं, महबूब इलाके से, महबूब आप इस वक्त जाग क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो जागने की वजह बताएं ना, 11:30 बजे आप जाग रहे हैं, 11:45 जी जी, थैंक यू सो मच बिल्कुल ऐसे है, थैंक यू सो मच, आमीन 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 सुमान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया, आपका नाम क्या था,
महबूब इलाही, थैंक यू सो मच महबूब इलाही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी दुआएं दी, बेस्ट विशेस दी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे महबूब इलाही, और महबूब इलाही ने इतनी ढेर सारी दुआएं और मेरी इतनी तारीफें कर दी कि मैं तो खुद से शर्मिंदा हो गई कि मैं वाकई में ऐसी ही हूँ। तो मुझे पर्सनली लगता है, जिस तरह हम लोगों ने पहले जब हम लोगों ने शो स्टार्ट किया था, तो शो स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने मैंने ये बात की थी कि अगर आप छोटे बन के रहेंगे ना, तो ज़िंदगी भी आपको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। वही बात है ना कि जब तक आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो माँ आपको गोद में लेती है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ भी गोद से निकाल देती है। आप छोटा बन के रहें, हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर मैं ये नहीं कहूँगी कि कमतर समझें, मगर एटलीस्ट खुद को बड़ा ना समझें, बस आजिज़ी इख्तियार करें, ठीक है, आप हम्बल रहें। आप देखें आपके लिए मुश्किलात जो है वो कैसे कैसे आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में मुश्किलात नहीं होती, या मैं हर वक्त आप लोगों के सामने ये जो हंसती खेलती रहती हूँ, हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड है, या फिर ये कह लें कि ये मैंने अल्लाह की तरफ से खुद अपने अंदर ये चीज़ पैदा की है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैंने उसको हंस के टालना है। क्योंकि आपने रो के भी टालना होता है, आपने हंस के भी टालना होता है, क्यों ना हम लोग रो के भी ज़िंदगी गुजारनी है, हंस के भी गुजारनी है, क्यों ना हंस के गुजारी जाए। और जो लोग स्माइल करते हैं, जो लोग हंसते हैं, वो उनके गिर्द जो 10 लोग होते हैं ना, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और 10 लोग आपसे अट्रैक्ट ना हो रहे हो। इसी तरीके से इस खुशी और गमी की मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है कि आप अंदर से कितने ही गमजदा हों, जब आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या फिर आप किसी शादी में जाते हैं, तो क्या होता है कि आप खुद ब खुद से खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी डेथ वाले घर में जाते हैं, तो वहाँ पे आप चाहे अंदर से कितने ही खुश क्यों ना हो, मगर उस डेथ वाले घर में जाकर ना आप ऑटोमेटिकली उनका गम अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। तो आप लोग हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, उससे क्या होगा कि आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होंगे ना, उन आपकी वाइब्स जो हैं वो उन तक जाएंगी। ऐसा बनना चाहिए कि आपकी वाइब्स, आपकी खुशी की वाइब्स उन तक जाएँ, आपकी इंस्पायरेशन की वाइब्स उन तक जाएँ, ना कि आपकी गमी की वाइब्स, ना कि आपकी नेगेटिविटी की वाइब्स उन तक जाएं। बी पॉजिटिव, ताकि आपकी पॉजिटिविटी से आप एक शमा बने, एक मोमबत्ती बने जो दूसरों को रोशनी देता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला बहुत खुश रखता है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप बस एक प्रैक्टिस कर लें, भूल जाने की एक प्रैक्टिस कर लें कि बस कोई भी बात है ना, बस उसको भूल जाना है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट, मगर ये एक थेरेपी है प्रैक्टिस करने से। बस खुद से मुस्कुराएं, खुद से हंसें, खुद से खुश रहें। खुशी नहीं भी महसूस हो रही तो अपने आप को एनर्जेटिक रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें, ताकि आपके साथ जो लोग हैं वो खुश रह सकें। एक सॉन्ग सुनाते हैं, कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। और हमारा ये सॉन्ग, पाकिस्तानी सॉन्ग, बहुत हिट हुआ, बहुत 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 ज़्यादा हिट हुआ, जिसको एक बिल्कुल एक स्ट्रीट सिंगर आप कह लें, उन्होंने गाया। उनका नाम क्या था? कैफी खलील। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, एक बिल्कुल एक आम से म्यूज़िक के साथ उन्होंने ये सॉन्ग गाया। और वो रातों रात तरक्की, बुलंदी, तरक्की की जो है ना, वो उन्होंने तरक्की पा ली, शोहरत की बुलंदी जो है ना, वो उन्होंने हासिल कर ली। आप लोग सॉन्ग सुने, छोटा सा ये सॉन्ग है, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और आप उनकी कॉल्स देते हैं। मिक्स के साथ पिक्चर वाला ड्रेस प्रोग्राम में भी, क्या कह रही है, कौन सा वाला? मैक्स के साथ, मैक्स लिखा है, मैक्स के साथ हमारा मैक्स भी मशहूर हो गया है
मैक्स के साथ पिक्चर वाला ड्रेस प्रोग्राम में भी वही जबरदस्त। हाँ मैं वो असल में पहन के निकल रही थी तो आरजू शानूर मेरे साथ थी तो इनको मैंने बोला कि शानूर आप मेरी जो है ना वो पिक्चर्स ले लें, तो इन्होंने पिक्चर्स जो है ना वो मेरी ली थी, तो मैं सेम ड्रेस में थी। और कौन है हमारे साथ अभी आरजू शानूर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स रीड करेंगी। आ जाओ विसाम भी आई हुई है और इस वक्त जाग रही है। आ जाओ विसाम। जिंदगी के नाम जितना चाहे तू रुला दे हमको ए जिंदगी, हंस के तुझे गुजार देंगे अपनी लिए जिद। वासिक अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम वासिक अब्बासी। फ्रॉम इस्लामाबाद आपका शो मज़े का चल रहा है, लिसनिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम और ख़ास कर परदेसी भाई बाजत अली खान। ठीक है असाद फारूक, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजिम है साहिब। लोग समंदर पे जीते अगर खरा ना होता। जस्साम शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्यार ये सो कैमरा तो साफ करें ना, पीछे से कैमरा साफ करें। ओके जी वी आर बैक। गब्बर इज बैक, एक्चुअली गब्बर इज बैक। ओके जी, बहुत सी ऑनलाइन वापस आने के बाद बहुत सी कॉल्स भी हैं जो हमें आ रही हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिलाल बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। कैसे हैं बिलाल आप? बारिश हो रही है बाहर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे कैमरे में भी नजर आ रही है कि वाकई में बारिश हो रही है। और शुक्र है बारिश हो रही है कि कुछ मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया इंशाल्लाह। आपको पता है कि मैं तो करती। अच्छा आप सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप हमें कैसे सुन रहे हैं, फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहे हैं या फेसबुक के थ्रू सुन रहे हैं? रेडियो पे। ठीक मतलब क्या लोग हमें। अच्छा मुझे मेरे साथ जो आरजे शाहनूर है ना, तो ये मुझसे ना घर में क्वेश्चन कर रही थी कि आप ही भाई लोग रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते। तो मैंने उनको बताया कि मुझे खुद नहीं पता लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, क्योंकि मैं पर्सनली भी ना खुद तब सुनती हूँ जब मैं मोस्टली ड्राइव कर रही होती हूँ, तो तब मैं FM लगा लेती हूँ। वरना बाकी घर में तो कभी मैंने मतलब कि लाइक इस तरह से कभी नहीं सुना, मगर ये है कि जब मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ ना, तो तब मैं जो है वो FM लगा देती हूँ। कि कभी कभी इतने मज़े के इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं कि आप बड़े एनर्जेटिक आप खुद को फील कर रहे होते हैं, एनर्जी फील कर रहे होते हैं, तो तब मैं सुन लेती हूँ। अच्छा ये तो फिर आपको सहूलत हम लोग ना हर जुम्मे को दे रहे हैं, हर जुम्मे को रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा शो हुआ करेगा। जरूर जरूर जरूर। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? बस देख ले हम लोग ने कहा थोड़ा सा डिफरेंट लाया जाए, थोड़ा सा हट के कुछ किया जाए। एग्जैक्टली आजकल इतना ज़्यादा वैसे भी इतना ज़्यादा परेशानियाँ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोग इंटरटेनमेंट को शायद इसीलिए पसंद करते हैं कि हम लोग यार एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही जो है ना परेशानियों से और इन मसाइल से जो है ना वो दूर हो जाते हैं। ये क्योंकि एक मज़े का ना एक आवाज़ का रिश्ता है, ये एक बड़ी आवाज़ की दुनिया है, आवाज़ का रिश्ता है। यहाँ पर आप लोगों को देख नहीं सकते, सिर्फ उनको सुन सकते हैं और उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी आवाज़ के ज़रिए उनको महसूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे बिलाल जो हमें सुन रहे थे इस्लामाबाद से। और मैंने बिलाल से क्वेश्चन किया कि बिलाल आप हमें कैसे सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहा था। तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया कि मतलब कि कैसे लाइक कैसे आप हमें सुन रहे हैं ना, लाइक आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो रेडियो को फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहे होते हैं। मगर बहुत से इलाके ऐसे हैं जैसे नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान,
यहाँ पे जो एरियाज हैं वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो लोग खुद को इंटरटेन करने के लिए जो है वो रेडियो सुनते हैं, और वो तमाम लोग जो हमें गिलगित से सुन रहे हैं, बल्तिस्तान से सुन रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया से सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और वो तमाम लोग जो हमें फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुन रहे हैं, मैं ये चाहूँगी क्योंकि फेसबुक कम्युनिटी से तो मैं कमेंट्स के थ्रू भी बात करती रहती हूँ, मगर मैं ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमें लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो लोग हमें कॉल करें। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों के साथ अपना नंबर शेयर करती चलूँ, हमारा नंबर है 0518449797। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 0518449797। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, उस ब्रेक पे जाते हैं और फिर जल्दी वापस आते हैं। ये देखो कि 45 लिखा हुआ है ना, तो ये अभी हमने 45 पे लगाना है। मैंने ये लगाना था मगर मैं नहीं लगा सकूँ, ये 50 हो गए हैं। अभी मैं ये अभी हमारी पास लास्ट कमर्शियल है, खत्म। ये तो वैसे ही वो जो आईडीज होती हैं ना, ये तो वो हैं, ये अब हमारे पास लास्ट है। हाँ अब वो लग गई है कमर्शियल ना, तो ये बस हमने यहाँ से देखना होगा कि 139 पे जब जाएगी तो उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद साइन आउट कर दो, 52 पे साइन आउट करना, ठीक है, ऑफ कर, ठीक है, 52 बस। हाँ कमर्शियल करती हूँ, ओके इसको मेरी तरफ करना। ओके जी, आज के लिए इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। शाहनूर कैसा लगा? ये शाहनूर, आरजी शाहनूर का आज फर्स्ट प्रोग्राम है, तो आरजी शाहनूर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आता है ना आपको? मज़ा आता है, मतलब अपने थॉट्स अपने यानी कि सब कुछ कन्वे कर रहे हो, तो किसी को मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू या फिर रेडियो में एक फ्रिक्वेंसी में जो है आप किसी से बातचीत कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपसे हम चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहें आरजी सुंदर जैस का पेज और बस सुनते रहें। हाँ सुनते रहें, और वो तमाम लोग जो हमें फ्रिक्वेंसी के थ्रू सुनना चाहते हैं, 97 हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो 97 है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर रेडियो पे, मोबाइल में भी आजकल रेडियो होते हैं, मगर उसके लिए आपको ना हैंड फ्री की पिन चाहिए होती है, हैंड फ्री लगेगा तो तब आपको उनका लगेगा वो। ओके जी, ओके वेलकम एंड वेलकम बैक, दिस इज़ मी आरजी सुंदर श्रेयस एंड मेरे साथ मौजूद हैं शानूर साकिब। आरजे शानूर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये आज आरजे शानूर का फर्स्ट प्रोग्राम था। आप हमसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को एक फिर से अच्छे से प्रोग्राम के साथ, और तब तक हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमें नई तब्दीलियों के साथ देखेंगे, सुनेंगे। देखने का लफ्ज़ बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में आप लोग हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह से लाइव देखेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे आरजे सुंदर श्रेयस और आरजे शाहनूर साकिब को दीजिए इजाज़त, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें सुनते रहिए बस FM 97 पर। बाय बाय, खुदा हाफिज़।